मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन गुड़ियाणी। आज हम कर रहे हैं नाइन्थ क्लास का फोर्थ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड एक्सरसाइज करेंगे हम 4.2। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की थी 4.1। 4.2 एक्सरसाइज करने से पहले हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट जो हमारी एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं। तो फर्स्ट कंसेप्ट है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हमें क्या बताना है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है, यानी किस टाइप का सॉल्यूशन है, ये हमें बताना है। तो हम इसको सोल्व करते हैं, इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, यानी इस टाइप की जो इक्वेशन है आपने प्रीवियस क्लास में सोल्व करी है, वो मेथड अलग होगा, तो उस मेथड के हिसाब से हम सोल्व करते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट फाइव ऑन बोथ साइड वी गेट, यानी हम क्या करेंगे इसमें दोनों साइड फाइव को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहां पर ये प्लस का फाइव, ये माइनस का फाइव क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहां से हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू माइनस फाइव। ये क्या है, सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन का, या फिर एक्स की वैल्यू है माइनस फाइव। जब हम इस एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे इस टाइप से सॉल्यूशन निकालेंगे सेकेंड वे, एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, हमें इस इक्वेशन का क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो फाइव है जो आप किस साइड लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको किस तरफ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड यानी जीरो की तरफ। साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का और माइनस का है तो प्लस का, तो यहां साइन आ जाएगा माइनस का फाइव। ये क्या है, सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेके देखते हैं, हमें तो तभी पता चलेगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के क्या सॉल्यूशन है, कैसे है, कितने हैं। एक्स प्लस टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू जीरो, अब इसमें भी क्या करेंगे हम, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन थ्री, यहां पर भी क्या निकला हमारा, एक्स का एक ही सॉल्यूशन निकला, वो क्या आया, माइनस टू अपॉन थ्री। यानी हम क्या कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, यानी उनका उसका क्या है, एक यूनिक ही सॉल्यूशन, यानी उसका एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। तो उसको किस तरह से लिखेंगे हम, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैव एन यूनिक सॉल्यूशन, किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा वो, यानी एक ही सॉल्यूशन होगा और वो भी यूनिक होगा। ये हमारा क्या है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, किसके ऊपर था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पर। अब हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर। नेक्स्ट कंसेप्ट है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, हमें टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन लेंगे, ये हमने क्या ले ली, टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन। अब इसके हमें क्या बताने, सॉल्यूशन बताने, सॉल्यूशन बताना करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके कितने सॉल्यूशन है वो हम यहां पर निकाल के देखते हैं। अब इधर देखो, अगर मैं जीरो एक्स पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो वी गेट, अगर मैं इस इक्वेशन में एक्स की जगह जीरो पुट कर दूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वाई की। तो टू इंटू जीरो प्लस
3y = 12। तो हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है, 0 + 3y = 12। 3y = 12, y = 12/3। 3 1 जा 3 4 जा y = 4। तो हमारा एक सॉल्यूशन आया। सॉल्यूशन क्या आया, जब x 0 है तो y कितना है, 4। अगर ऐसे ही मैं क्या करूं, पुट करूं x = 1, वी गेट इसमें 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 + 3y = 12। 2 + 3y = 12। 3y = 12 - 2, 3y = 10, y = 10/3। तो हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन आया x1 और y 10/3। ये भी क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब आगे हम निकालते हैं x = 2 पुट करें तो फिर क्या आ जाएगा, 2 × 2 + 3y = 12। 4 + 3y = 12। 3y = 12 - 4, 3y = 8, y = 8/3। तो यहां पर भी क्या सॉल्यूशन आया हमारे पास, x 2 है और y की वैल्यू 8/3। यानी इस टाइप से हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट तक क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू निकलती जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं x को रखूं और y की वैल्यू पुट करूंगी तो किसकी वैल्यू निकलेगी, x की। यानी इस पूरे क्वेश्चन में ये कंक्लूजन निकला है कि हम x की वैल्यू जितनी भी पुट करेंगे उतनी हमारे पास क्या आएगी, y की वैल्यू। यहाँ पर x की वैल्यू इनफाइनाइट है और y की भी वैल्यू इनफाइनाइट है, तो हमारे जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइट या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन किसके होंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज, इन्हीं टू कंसेप्ट के बेस पे अपनी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज से स्टार्ट करने से पहले एक नोट रीड कर लेते हैं। एन इजी टू गेट ए सॉल्यूशन इज टू टेक x = 0 एंड गेट द कोरस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ y। अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था वो इसी के ऊपर बेस था। अगर हम x को 0 ले लेते हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग में किसकी वैल्यू निकलती है, y की। ऐसे ही अगर सिमिलरली वी कैन पुट y = 0 तो ऑब्टेन द कोरस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ x। यानी जब हम y को 0 पुट करेंगे, यानी y की वैल्यू हम अपनी मर्जी से पुट करते जाएंगे तो किसकी वैल्यू निकलती जाएगी, x की। तो ये कंसेप्ट इजी है, इसको एक बार लर्न कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। यानी फर्स्ट क्वेश्चन की जो इक्वेशन दे रखी है y = 3x + 5 है, इसका हमें तीन ऑप्शन गिवन है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट है यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड है ओनली टू सॉल्यूशन, थर्ड है फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, और वो कौन सा है वो इसमें से हम पता करेंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है और क्यों करेक्ट है इसके बारे में भी बताना है। तो सॉल्यूशन y = 3x + 5, पुट x = 0, वी गेट, तो y क्या जाएगा, y = 3 × 0
प्लस फाइव, वाई इज इक्वल टू फाइव, यानी वाई की वैल्यू क्या आई फाइव आई। जब एक्स की वैल्यू जीरो थी तो वाई की वैल्यू क्या आई फाइव। तो यहां पर एक सॉल्यूशन हुआ हमारा जीरो एक्स और वाई फाइव। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड फोर एंड सोन अप, यानी इन्फिनिटी टाइम तक हम एक्स को पुट करते जाएंगे और वाई की वैल्यू निकालते जाएंगे। अब वन पुट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री इंटू वन प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू एट। वाई इज इक्वल टू थ्री इंटू टू प्लस फाइव इज इक्वल टू सिक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू इलेवन। y इज इक्वल टू थ्री इंटू थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू नाइन प्लस फाइव इज इक्वल टू फोर्टीन। यानी क्या करें हम, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं और y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है हमारे पास, यहां पर आई फाइव, फिर आई एट, फिर आई इलेवन, फिर आई फोर्टीन। ऐसे हम कहां तक चले जाएंगे, इनफाइनाइट टर्म तक। तो हमारे पास यहां पर क्या सॉल्यूशन निकला, x क्या है x इज इक्वल टू जीरो वन टू इन, यानी इनफाइनाइट। तो देन y वी गेट y इज इक्वल टू भी क्या आया फाइव एट इलेवन एंड फोर्टी एंड सोन अप इनफिनाइट इनफाइनाइट तक। यानी कहने का यहां पर रीजन y का क्या है, अगर x इनफाइनाइट है तो y भी क्या है इनफाइनाइट। तो यहां पर अपना सॉल्यूशन क्या होगा थर्ड, यानी ऑप्शन क्या करेक्ट है थर्ड। सॉल्यूशन यानी आंसर हमारा क्या है थर्ड ऑप्शन, यानी यहां पर कितने सॉल्यूशन हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यानी क्यों, एक्स को भी हम इनफाइनाइट टर्म तक क्या कराएंगे रन कराएंगे, और तो हमारे पास जो वाई की वैल्यू है वो भी क्या आएगी इनफाइनाइट आएगी। क्वेश्चन सेकेंड, राइट फोर सोल्यूशन ऑफ फोर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। सेकेंड क्वेश्चन के जितने पार्ट दे रखे हैं ना उसमें हमें कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, फोर सॉल्यूशन निकालने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 2x plus y is equal to 7। अब इसके फोर सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यानी फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम, इक्वेशन को राइट करेंगे 2x plus y is equal to 7। पुट x is equal to, जो मैं यहां पर x is equal to या y is equal to पुट कर रहे हैं हम, वो क्या हमारे कोई भी नंबर हो सकते हैं, यानी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर्स होते हैं, यानी रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हैं हम। यहां पुट कर रहे हैं हम x is equal to 0, वी गेट 2 इंटू जीरो प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन, वाई इज इक्वल टू सेवन। तो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आया, x 0 है तो y 7 है, तो ये हमारा क्या है एक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1, वी गेट 2 इंटू वन प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन, टू प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन, वाई इज इक्वल टू सेवन माइनस टू, वाई इज इक्वल टू फाइव। सो सॉल्यूशन 1 एंड 5 इज सॉल्यूशन, यानी ये कौन सा सॉल्यूशन निकला अपना सेकंड सॉल्यूशन। अगेन अब मैं क्या करूं इसमें, यहां पर तो मैंने एक बार x को 0 पुट कर दिया और एक बार x को 1 पुट कर दिया। अब हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0, वी गेट, अब इसमें क्या पुट करेंगे हम, y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू सेवन,
x इज इक्वल टू 7/2। तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन आएगा, शो जब हमारी x की वैल्यू क्या आई 7/2, तो y क्या था 0। इज ए सॉल्यूशन, ये अपना थर्ड सॉल्यूशन निकला है। अगेन पुट y इज इक्वल टू 1, वी गेट 2x+1 इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 7-1, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, 2 वन जा एंड 3 जा पे कट जाएगा, x इज इक्वल टू 3। सो x 3 तो y कितना है 1, इज ए सॉल्यूशन। ये हमारे जो यहाँ पर ये फर्स्ट सॉल्यूशन, ये सेकंड सॉल्यूशन, ये थर्ड सॉल्यूशन, ये फोर्थ सॉल्यूशन, हमसे कितने सॉल्यूशन निकलवाए गए 4, वो हमने निकाल दिए। वैसे इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी सेकंड क्वेश्चन के जितने पार्ट है उसको इसी मेथड से हम सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट πx+y=9, इसके भी कितने सॉल्यूशन निकालने, हमने 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट πx+y=9, हम क्या करेंगे यहां पर पुट x=0, वी गेट πx+y=9, y=9, तो क्या आ गया सो x 0 है तो y की वैल्यू कितनी आई 9, इज ए सॉल्यूशन। ये अपना कौन सा सॉल्यूशन निकला, फर्स्ट सॉल्यूशन। अब सेकंड सॉल्यूशन निकालेंगे, अगेन पुट x=1, वी गेट πx+y=9, πx+y=9, y=9-π, यहां पर पाई पॉजिटिव था, इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। सो सॉल्यूशन क्या निकला, x हमारा 1 है तो y की वैल्यू आई 9-π, इज ए सॉल्यूशन। ये अपना सेकंड सॉल्यूशन फाइंड हो गया। अब करेंगे हम थर्ड सॉल्यूशन, पुट y=0, वी गेट πx+0=9, πx=9, x=9/π। तो यहां पर जो अपना सॉल्यूशन आया, शो 9/π और y=0, इज ए सॉल्यूशन। यहां पर हमने थर्ड सॉल्यूशन निकाल लिया, अब निकालेंगे आप फोर्थ सॉल्यूशन, अगेन पुट y=1, वी गेट πx+1=9, πx=9-1, πx=8, x=8/π, शो 8/π x की वैल्यू है तो y की वैल्यू क्या दी 1, इज ए सॉल्यूशन। ये अपना कौन सा सॉल्यूशन निकल गया, फोर्थ सॉल्यूशन। इसके सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट मैंने सोल्व कर दिए हैं, इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपको सोल्व करना है, सेम यही मेथड रहेगा सॉल्यूशन का। क्वेश्चन थर्ड, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x-2y=4 एंड विच आर नॉट। थर्ड क्वेश्चन में जो पॉइंट दे रखे हैं उसमें हमें चेक करना है कि इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट में पॉइंट दे रखा है 0 एंड 2,
सॉल्यूशन हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे गिवन इक्वेशन कौन सी है, x माइनस टू आई इज इक्वल टू फोर। अब हम यहां पर क्या करेंगे, पुट यहां पर x की वैल्यू क्या है जीरो एंड y इज इक्वल टू क्या है टू इन द लेफ्ट हैंड साइड। हम इसकी इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू टू। तो पुट करते हैं x की जगह जीरो माइनस टू इंटू टू इज इक्वल टू जीरो माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस फोर नॉट इक्वल टू फोर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी यहां पर क्या निकला, तो कैसे सॉल्यूशन पता चलेगा, अगर हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या आ जाए इक्वल, तो हम क्या कहेंगे उस इक्वेशन के वो क्या है सॉल्यूशन। जब नॉट इक्वल टू आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये पॉइंट जो गिवन है नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहां पर हम लिखेंगे जीरो टू आर सॉरी इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। यानी गिवन इक्वेशन के ये सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट टू एंड जीरो, ये पॉइंट गिवन है, ये ट्राई योर सेल्फ करना है, जैसे फर्स्ट पार्ट करा है वैसे करना है। थर्ड पार्ट फोर एंड जीरो, ये पॉइंट गिवन है, तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस टू आई इज इक्वल टू फोर। प्रोसेस वही है जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, पुट x इज इक्वल टू फोर एंड y इज इक्वल टू जीरो इन लेफ्ट हैंड साइड रिटर्न करेंगे। x की जगह क्या पुट करना है, फोर माइनस टू और y की जगह जीरो इज इक्वल टू फोर माइनस जीरो इज इक्वल टू फोर। फोर इज इक्वल टू फोर, यानी यहां पर क्या है मेरा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी फोर आया और मेरा राइट हैंड साइड क्या गिवन है फोर है, वो भी दोनों क्या है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव। यहां पर क्या लिखेंगे, फोर जीरो इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। यानी गिवन इक्वेशन का ये क्या है सॉल्यूशन है। ऐसे हमें सारे पार्ट ट्राई करने हैं। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है रूट टू कोमा फोर रूट टू, यानी ये पॉइंट गिवन है, हमें ये बताना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, गिवन इक्वेशन एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर, पुट एक्स इज इक्वल टू रूट टू एंड वाई इज इक्वल टू फोर रूट टू इन लेफ्ट हैंड साइड। इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में ये पॉइंट क्या करेंगे आप पुट करेंगे, एक्स की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं रूट टू माइनस टू, वाई की जगह फोर रूट टू इज इक्वल टू रूट टू माइनस एट रूट टू। तो यहां पर कितना आया सेवन रूट टू नॉट इक्वल टू फोर। हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे रूट टू फोर रूट टू इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये आपका क्या है आंसर है। इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो आपको ट्राई योर सेल्फ करना है, यानी आपको उसको सोल्व करना है ट्राई करना है। क्वेश्चन फोर्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इफ x इज इक्वल टू टू एंड y इज इक्वल टू वन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू के।
इस क्वेश्चन में हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू क्या दे रखे हैं, सोल्यूशन गिवन है किस इक्वेशन का है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के के, यानी जो ये पॉइंट दे रखे है वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, गिवन इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, वी गेट। इस पूरी इक्वेशन में हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू पुट करनी है, टू इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू के, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इज इक्वल टू के, 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू के, इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 7, दैट इज ए आंसर। यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज फिनिश होती है 4.2। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर।